हाय फैमिली, स्वागत करते हैं आप सबका दीपक जायसवाल ब्लॉग की यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, इस समय हम पहुंच चुके हैं भदोही रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन पहुंचने के लिए मैं सबसे पहले प्रयागराज स्टेशन उतरा था 5:30 बजे ही। तो वहां मुझे मिल गई थी हमारी घर, मतलब भदोही आने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस। तो वहाँ से मैं पहुँचा हूँ 11 बजे, क्योंकि वो काफ़ी स्टॉपेज लेके आई है, बहुत ही लेट कर दी थी। उसके बाद यहाँ से मुझे मिल जा रही काशी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से चल के गोरखपुर जाती है, तो भी 10 मिनट में आ जाएगी। हमने कहा 10 मिनट में वेट कर लेता हूँ, क्या चाहूँ बस पकड़ूँ या किसी को बुलाऊँ स्टेशन पे। तो मैंने किसी को नहीं बुलाया, तो 10 मिनट में वेट करके अभी हमारी ट्रेन अलाउंस भी हो गया है, तो आने वाली है, और पूरे लगेज के साथ स्टेशन पे खड़ा हूँ। तो देखने वाले देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो काम है मुझे करना है, क्योंकि आपसे हर वीडियो शेयर करना होता है और करना पड़ेगा भी। तो बन रही है ब्लॉग के अंत तक। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देते रहना। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो यहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ट्रेन भी आ रही है, आप लोग को हम बैक कैमरा करके दिखाते हैं। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करके देखिएगा, और घर पहुँचते हैं, देखते हैं कार्तिक, सोनापरी, भाभी और कौन कौन देख के मतलब खुश होता है या क्या होते हैं। और कार्तिक तो बहुत ज़्यादा ही खुश होगा, क्योंकि उसका एरोप्लेन जो मैं लेके जा रहा हूँ, तो चाचू बोल रहा है चाचू लेके आओ ना, जल्दी आ जाओ ना। तो आज काफ़ी चेहरे पर रौनक भी है और खुशी भी है, क्योंकि आज इतने दिन बाद, मतलब 15 दिन बाद घर वालों से मिलूँगा, तो मुझे भी खुशी होगी। तो बन रही है ब्लॉग में, ट्रेन आती है पकड़ते हैं, आप लोग को हम दिखाते हैं। तो भाई जी, ये रहा हमारा भदोही रेलवे स्टेशन, आप लोग देख सकते हो ये दूर से ही, अब पेड़ पत्ते कितने हिल रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, पत्ते का आप लोग को देख चला होगा। ये प्लेटफार्म नंबर 2 है, उस पार से इस पार के मैं खड़ा हूँ 1 नंबर पे। यहाँ पे यात्री वेट कर रहे हैं ट्रेन का ही, बैठ के कोई खाना पीना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे लगे सामने आप लोग देख सकते हो रखा हुआ है। और ये पत्ते, बहुत ही अच्छा मौसम था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो गाइस, जब ट्रेन हमारी आ रही है, लोग को दिखाते हैं। तो गाइस, ट्रेन देखिए आ गई है काशी एक्सप्रेस, और इधर एसी कोच लगे हुए हैं। अब 7 किलोमीटर जाना है, तो किसी में भी बैठ के जा सकते हैं। कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस काशी, तो काफ़ी यात्रीगण भी यहाँ पे हैं। चलते हैं, ट्रेन में बैठता हूँ मैं, अब किसी भी कोच में बैठ जाता हूँ। आगे की तरफ बैठूँगा तो घर के पास मतलब उतरेंगे, पीछे जाएंगे तो दिक्कत होगा, आगे ही चलते हैं। एसी कोच में बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो कोई आएगा फिर समझ लेंगे हम। चलते हैं गाइस, बहुत धूप भी हो गई है, मौसम भी अच्छा है, हवा भी चल रहे हैं, और धूप भी काफ़ी कड़क है। तो चलते हैं, हम इसी कोच में बैठ जाते हैं 27 में ही। तो गाइस, हम ये A1 क्लास में बैठ गए हैं, जहाँ पे केवल एक कोच, मतलब एक कोच में 4 ही लोग बैठते हैं। ये बाहर का लोकेशन, इस गाड़ी में पर्दा वगैरह सब लगे हुए हैं। सो गाइस, बैठ गए हैं ट्रेन में, नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा घर ही आएगा परसीपुर, तो हम वहाँ उतर जाएंगे। और ठंडा ही काफ़ी है, मतलब एसी में बैठ के आए हैं, एसी में जा रहे हैं। मैंने जो ट्रेन पकड़ा था बुंदेलखंड, उसमें भी मैंने एसी में बैठ के आया था, बाहर बहुत गर्मी है। तो बने रहिएगा ब्लॉक के अंत तक, मिलते हैं घर पहुंचने के बाद आप लोगों से हम। सो गाइस, पहुंच चुके हैं घर पे, और अंदर बैठे चाचा जी दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, और इधर दादी हैं प्रणाम कर लेते हैं, पहले ना दोस्त आए हैं आशीर्वाद ले लेते हैं। प्रवेश करते हैं घर के अंदर, देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ है, लाइट है नहीं है, लाइट तो लगता नहीं है क्योंकि बहुत अंधेरा ही है। और इधर हवा चल रहा है कूलर का, और सोना लगता है सो ही है। और कार्तिक, अरे पहले हाल चाल नहीं लिया, पहले एरोप्लेन नहीं चाहिए क्या? हाल चाल नहीं पूछा चाचू का? क्या पूछे थे? अच्छा, एरोप्लेन चाहिए। हाँ। बहुत जल्दी है क्या? हाँ। उड़ाओगे क्या? हाँ। कहाँ पे? नीचे नीचे बड़े खुश हो रहे देख के। हाँ? बोलो ना, बोलो ना। हाँ? बोलो, अपने बैग में लेके आए? हाँ, अपने बैग में लेके आए बिट्टू। ये कहाँ टांगे हो? टांगे हैं हाँ। दादा कहाँ गए? दादा भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे?
तो इधर बाबा जी का दर्शन हो गया। इधर टूरिस्ट से जा रहे हैं। कैसे हो जी? अच्छे। देखो ताने चाय सुबह से बना के इंतजार कर रहे हैं कि आओगे तो चाय देंगे। 9 बजे 10 बजे हो गए, 12:30 बजे आ रहे। क्या करें, हम ट्रेन का वेट करने लगे ना। बाई कार बस से नहीं आए। अच्छा, हम बाई ट्रेन से आए हैं घर पे, इसीलिए लेट हो गया। हाँ लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया। अच्छा। और सोना हमारी सो रही है इधर। सोनू मेरा बेटू, चाचू आ गया। हे सोना, तो क्या दिखा बेटू आपके लिए? मैं कुछ नहीं लाया हूँ, नहीं लाया हूँ। ऐसे ही हाँ, पता है क्या आपको? नहीं लाया हूँ, भूल गया। ऋषभ को दे दिया। गाली खाली लेके आया, कुछ नहीं लेके आया आपके लिए। अरे मेरा बेटा, नहीं बेटू रोते नहीं है। ये सोनू मेरा बेटू उठ जा बेटू। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर में हम। और परी कहाँ थी? नीचे थी। अच्छा, तो गाइस सोना जाग गई है और जागते ही मेरे पास चली आई, बोली चाचू अभी निधि भी हो क्या बिट्टू, जागोगे नहीं क्या? हाँ कितने दिन बाद मुझे देख रही है ना। हाँ क्या चीज तो दिखाएंगे ना बिट्टू, दिखाएंगे मेरा बेटा। आज मेरी प्यारी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। आपका नहीं लाया हूँ ना, बोला ना कल लाओगे? नहीं लाएंगे आपके लिए। दादी लाएगी। ये सुनना गाइस, बड़े दिन बाद मिला। अभी मुंह देखो तेरी का। गाइस इसका मुंह देखिए। बाय सुनो, चलो मिलते हैं आपसे ना भी। तो ये देखिए गाइस, सोना मेरे पास सोकर उठी, लेकिन हम बुलाए उसको, क्या बेटा पानी पिला दे, मेरे गोदी आई नहीं, चली गई अपने चाचू के पास और वो कितना आराम से बैठ के पानी पी रही है। मेरा चाचू है। आपका चाचू है? हाँ। सोना का चाचू है? नहीं, मेरे लिए एरोप्लेन है। लेकिन हम आपको नहीं देंगे। हम नहीं देंगे। अपिलो। क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। उसको आप खोल कर दिखाते, सोना बहुत ही। देखो मेला ऊपर है। A few moments later. तो गाइस शाम का समय हो चुके हैं और मैं आ गया था, तो नहा धो के जब सो गया था, तो अभी सो क्यों रहा हूँ। टाइम इसे बज रहे 6:40 और भाभी जी छत पे गेहूँ जो डाली हुई थी उसको उठा रही हैं। आप लोग देख सकते हो कैमरे में, सोना है, कार्तिक है और हमारी छोटी बहन वो भी है। गेहूँ फैलाई थी वही सब भाभी क्या कर रहे हैं, उठा रही हैं, मतलब उसको लेके चलेंगे नीचे। और सब लोग मिल के बड़े खुश हुए, तो हम मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को एक लाइक एक शेयर आप लोग कमेंट जरूर कर देना। और मिलते हैं आप लोग से अच्छे अच्छे वीडियो साथ। अब भाभी जी के साथ ही वीडियो आएगी घर पर ही, डेली का डेली ब्लॉग अब आएगा। तो बाय बाय करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय।